मुख्यमंत्री का काम कम है, तू खींच मेरी फोटो ज्यादा चल रही है, रात को जाने की कोई जरूरत नहीं थी। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तूफान प्रभावितों के राहत और बचाव कार्य पर उठाया सवाल। सीएम ममता पर हमला बोलते हुए कहा, मदद कम और फोटो सेशन ज्यादा हो रहा है। देखिए, जो काम इनिशियली किया एनडीआरएफ ने किया, बाकी काम धीरे धीरे हो रहा है, फोटो सेशन ज्यादा हो रहा है, रेस्क्यू रिहैब और जो रिलीफ देने का काम वो ठीक नहीं हो रहा है, ज्यादा फोटो सेशन और भाषण हो रहा है। और क्या मिड नाइट में क्या काम है, इतना जल्दीबाजी का क्या है? हॉस्पिटल विजिट करना, जो डेथ विक्टिम है उनका फैमिली से मुलाकात सुबह तो हो सकता था, गवर्नर साहब ने किया, मैं जा रहा हूँ, मैं करूँगा। पहले ना ये तो आप देखिए ना, दोहरा मापदंड। माल में जो हुआ था दुर्गा पूजा का विसर्जन का दिन, कहाँ था, कहाँ थी चीफ मिनिस्टर? 3 हफ्ता बाद वहाँ आई, 3 हफ्ता बाद, तब तो वोट नहीं था। ये तो वोट के लिए, ये तो सबका उत्तर बंगा मालूम है, उत्तर बंगा में कोई जो वेदर रिपोर्ट कौन उसको मॉनिटर करता है, वीडियो करता है, डीएम करता है, कोई फोरकास्ट तो वेदर का फोरकास्ट था? यहाँ जो जब डिजास्टर होता है, साइक्लोन होता है, हड़प्पा बांध होता है, जो सिक्किम में कुछ दिन पहले हुआ, कोई फोरकास्ट और प्रिकॉशन कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, वीडियो डीएम एसडीओ कोई माइकिंग कुछ है? यहाँ कोई मॉनिटरिंग है? दूसरा प्रदेश में मॉनिटरिंग है, अब हिमाचल में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, जम्मू कश्मीर में जाइए, अरुणाचल प्रदेश में जाइए, किस तरीके से वेदर रिपोर्ट का मॉनिटरिंग और वेदर रिपोर्ट को पहले जनता को बीच एफएम चैनल के द्वारा माइकिंग करके जनता को जागरूक करना, अलर्ट करना, एक काम दूसरा प्रदेश में होता है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ हादसा होने का बाद तू खींच मेरी फोटो। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। जलपाईगुड़ी में तूफान से काफी तबाही हुई है, 5 लोगों की मौत के साथ ही 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कई घरे क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद नेताओं के द्वारा इस पर राजनीति की जा रही है। राज्य के विपक्षी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राहत और बचाव कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जलपाईगुड़ी में तूफान से प्रभावित की मदद कम हो रही है, फोटो सेशन ज़्यादा चल रहा है। मालूम हो कि कल इस घटना की खबर मिलने के बाद ममता बनर्जी रात को ही विशेष विमान से उत्तर बंगाल पहुंची। चक्रवात से तबाह जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रात में ममता बनर्जी के आने को लेकर राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जमकर हमला बोला, कहा रात को जाने की कोई जरूरत नहीं थी, माल बाजार में जब नदी में अचानक से बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री 21 दिन बाद वहां आई थी, वर्तमान में लोकसभा चुनाव है इसीलिए विशेष विमान से कल यह वहां पहुंची। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मौसम विभाग पर भी सवाल उठाया और कहा कि प्राकृतिक आपदा के विषय में पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य के मुख्यमंत्री पर कुछ इस तरह से तंज कसा। वह कोलकाता से विमान से बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचे, वहां से वह सड़क मार्ग से मंटा भांगा के लिए रवाना हुए। इससे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को वोट धर्म के बजाय राजधर्म का पालन करना चाहिए, हमें कमर्शियल फ्लाइट के लिए इंतजार करना चाहिए था, वह चार्टर फ्लाइट से क्यों गई, क्योंकि चुनावी बॉन्ड में तृणमूल को काफी पैसा मिला है। विपर्जय तो विपर्जय, सहानुभूति आছে, भयंकर ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম, বিশেষ করে 3টি গ্রামে তো কোনো মানে টিনের বাড়ি বা কাঁচা বাড়ি অস্তিত্বই নেই ওখানে, এমনকি পাকা বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অনেকে হতাহত হয়েছে, যারা অ্যাডমিশন আছে আমি শুনেছি, আমাকে মাননীয় সাংসদ জয়ন্ত রায় জানিয়েছেন, 7 জন তো সিরিয়াস আছে,
এবং কাল থেকেই আমাদের সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধায়করা, আমাদের পার্টির স্বেচ্ছাসেবকরা, বিভিন্ন এনজিওরা তারা কাজ করছে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পিওমও থেকে নজরদারিও করা হয়েছে এবং মাননীয় সাংসদ জয়ন্ত রায়ের অনুরোধে এনডিআরএফের টিম সাথে সাথেই কাজ শুরু করেছে। অতএব সিম্প্যাথি, সহানুভূতি এবং যাতে এই ক্ষতিগ্রস্ত লোকগুলো তাড়াতাড়ি আবার তাদের বাসস্থান সারিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন সেজন্য সকলেই চেষ্টা করছেন। আমাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে, কারণ এমসিসি চলছে, এই সময়ে সরকারের দায়িত্বটা অনেক বেশি, যারা ব্যুরোক্রেসি আমলা, এনডিআরএফ এসডিআরএফদের দায়িত্ব বেশি, কারণ কোনো রাজনৈতিক দল বা নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা ইচ্ছা থাকলেও মানে এক প্যাকেট খাওয়ারও তুলে দিতে পারবে না নির্বাচন বিধিতে আটকা। এই সময় সরকারের দায়িত্ব বেশি এবং আমি আপিল করব রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, রেড ক্রস, এরাও হাত লাগাক, যাতে লাগিয়েছো আমি শুনেছি সকালবেলা, আমি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ভলেন্টিয়ারদের, স্বয়ংসেবকদের আমি দেখেছি তারা ভিডিওতে তারা কীভাবে ভোট থেকে সমস্ত গাছপালা সরানোর কাজ করছে, সবাই মিলে করছে, সবার করা উচিত। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 97333970. मैम घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट? सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट? He showed her x-ray also. Based on evidence, it is diagnosed OA knee. Correct? Correct. Correct. And 3, 2, 1, go. Perfect. And perfect. कैसा लग रहा है? आनंद आनंद थोड़ा वॉक करिए जी।